नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। आज राहुल गांधी जी संसद में प्रश्न कर रहे थे। प्रश्न वो किस पर? सरकार से कि अडानी जी ने जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उस पर मोदी जी कुछ बोलेंगे। बहुत सारा, एक घंटे में तकरीबन 53 मिनट तक राहुल गांधी जी ने इस पर बोलते रहे। जब मोदी जी का समय आया, पूरा एक घंटा बीत गया, लेकिन एक बार भी अडानी जी का नाम नहीं लिया और यह कहकर बात को टाल दिए कि आपका जवाब, जितने भी गलत आरोप है जनता देगी। जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 11 करोड़ किसान को 2000 रुपए प्रति तिमाही दिया जा रहा है। तो ऐसे करके जो आपके आरोप हैं सब जनता देख रही है। ऐसा कहना था नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम, देश के पीएम का, लेकिन जवाब देने से वो बचते रहे। एक बार भी पूरे एक घंटे के अभिभाषण में उन्होंने एक बार भी अडानी जी का नाम नहीं लिया और सीधा उन्होंने यह कह दिया कि आपके जो 2004 से 14 तक जो घोटाले हैं वो जगजाहिर है। लेकिन क्या जो 2004 से 14 तक जो घोटाले हुए अभी तक किसी का साक्ष्य सामने आया है क्या? नहीं आया। उन्होंने 2004 से 14 तक हुई महंगाई का भी जिक्र किया। क्या 2014 से लेकर के 2023 में जो महंगाई बढ़ी है उसका जिक्र किया क्या? नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस शासनकाल में गैस कितनी महंगी होती थी। क्या उन्होंने 2014 से 2023 तक गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा उसका जिक्र किया क्या? नहीं किया। 2014 से 23 तक में आटे की कीमत कहां से कहां पहुंच गई जिक्र किया क्या? नहीं किया। पेट्रोल की कीमत कहां से कहां बढ़ गई जिक्र किया क्या? नहीं किया। लगभग सारे जवाब सरकार में है और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको न गिनाते हुए 2004 से 14 के बीच में यूपीए में क्या कुछ हुआ, पूरे एक घंटे के अभिभाषण में वही गिनाते रहे और कहा कि आपकी बात पर, कांग्रेस की बात पर जनता भरोसा नहीं करेंगी, वो झूठ बोलती है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के बात पर जनता भरोसा करती है? ऐसा देखने को भी मिला 2014 और 19 के चुनाव में। लेकिन क्या 2024 का जो आने वाला चुनाव है ऐसे ही कटाक्ष करते 70 साल का हिसाब मांगते कर जाएंगे या 10 साल का मोदी जी भी हिसाब देंगे? या 80 करोड़ जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो मुफ्त राशन पर ही क्या वो वोट लेकर चले जाएंगे? और विपक्ष अगर सवाल करे तो उसका जवाब नहीं देंगे। आज एक घंटे के जो भाषण संसद में चला उसमें तो ऐसा ही दिखने को मिला। अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी, जो राहुल गांधी जी ने सवाल एक घंटे तक जो अडानी जी के मुद्दे को लेकर यहां पर बोला, उसमें से एक मिनट भी मोदी जी नहीं बोले। अडानी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं लेकर आया। बसरते राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने कड़ी कड़ी टिप्पणियां भी की और यूपीए शासनकाल में अपराधों की, आतंकवादियों की पूरी लिस्ट गिना डाली। कहां 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 कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की घटनाओं को जिक्र कर दिया। तो ये सब प्रश्न हैं जो मोदी जी राहुल गांधी को कटाक्ष करते हुए उन्होंने ही सवाल पैदा किया कि क्या उनकी बातों पर जनता भरोसा करेगी। 80 करोड़ का जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो समझिए मुफ्त राशन दिया जा रहा है जनता को। कैसे मुफ्त राशन? क्या उस राशन को जनता, गरीब लोग खाते हैं? अब इसी का पूरा एक साल अभी तक हम लगातार आपको यही दिखाएंगे कि जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या आम लोग उस चावल को खाते हैं और खाने लायक क्या वो चावल है? इस पर हम लगातार कवरेज करते रहेंगे। आप लोग को भी अगर कहीं इस पर जानकारी मिले तो हमें बताते रहिएगा।
और अपने कमेंट में प्रतिक्रिया दी जो मोदी जी ने क्या राहुल गांधी जी का जो सवाल था उस पर जवाब नहीं देकर सही किया क्या। आपके लिए छोड़े जाते हैं, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।